अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज का हमारा जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो लीगल रीजनिंग एंड आर्गुमेंट्स का टॉपिक है, प्रीसीडेंट एंड एनालॉजी इन लीगल रीजनिंग। लीगल रीजनिंग के अंदर प्रीसीडेंट एंड एनालॉजी, यानी कि लीगल रीजनिंग के अंदर जो टॉपिक प्रीसीडेंट एंड एनालॉजी है वो आज हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द प्रीसीडेंट एंड व्हाट इज़ द एनालॉजी। और उसके साथ साथ आज हम ये भी डिस्कस करेंगे कि प्रीसीडेंट के कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज़ द प्रीसीडेंट। प्रीसीडेंट जो है वो एक कोर्ट का एक लॉ है या कोर्ट का एक रूल है जिसके अंदर कॉम्पिटेंट कोर्ट क्या करती है कि कॉम्पिटेंट कोर्ट प्रीवियस डिसीजन को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए जो अपकमिंग केस है या जो भी प्रेजेंट केस है उसमें वर्डिक्ट देती है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी पास्ट में केस देखा गया, कोई भी अगर पास्ट में केस रखा गया, उसका वर्डिक्ट अगर आता है कि उसके अंदर, मिसाल के तौर पर अगर आप एग्जांपल लें कि लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का, अगर इनहेरिटेंस के अंदर जितना भी जो भी इनहेरिटेंस का लॉ है उसके हिसाब से अगर कोई भी प्रीवियस लॉ के अंदर, प्रीवियस डिसीजन के अंदर कोर्ट ने अगर डिसाइड किया है तो कंपनसेशन का, तो इन द प्रेजेंट केस कोर्ट वही डिसाइड करेगी उसी प्रीवियस डिसीजन को देखते हुए। यानी कि प्रेसिडेंट हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर कोई भी केस पिछले केस से रिलेटेड हो या इंटरकनेक्टेड हो तो उसका डिसीजन भी सेम होगा, उसे कहते हैं प्रेसिडेंट। और एनालॉजी के ऊपर मैंने जो है एक टॉपिक भी छोड़ा है, व्हाट इज़ द एनालॉजी इन द केस एनालॉजी लीगल रीजनिंग, वो आप देख सकते हैं। लेकिन उसके अलावा अगर बात की जाए एनालॉजी की, तो एनालॉजी केस एनालॉजी होती है, केस को एनालाइज किया जाता है कि व्हाट इज़ द केस एंड व्हाट इज़ द एनालिसिस बिटवीन द केस, बिहाइंड द केस। अगर कोई भी ऐसा केस आता है कि उसके बिहाइंड ये देखा जाए कि इस केस की एनालॉजी क्या होगी, इस केस के फैक्ट्स क्या हैं, तो उसे आप कहेंगे एनालॉजी। अब बात करते हैं कि व्हाट इज़ द प्रेसिडेंट। इट इन्वॉल्व प्रीवियस डिसीजन बींग फॉलोड इन अ लेटर केस। बाद के केस में, अभी के केस में अगर कोई भी डिसीजन लिया जाता है प्रीवियस केस को मद्देनजर रखते हुए, प्रीवियस डिसीजन को मद्देनजर रखते हुए, तो उसे हम कहते हैं प्रेसिडेंट। अब बात करते हैं कि व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स, के प्रेसिडेंट के कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, यानी कि प्रेसिडेंट को समझने के लिए हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स को समझना पड़ेगा। तो अगर प्रेसिडेंट को अगर हम समझें तो आप जो है तीन इंग्रेडिएंट्स हैं, ए बी एंड सी। अगर ये तीनों के तीनों अगर आपने समझ लिया तो प्रेसिडेंट की डेफिनेशन लिखना बहुत ही आसान है। प्रेसिडेंट की डेफिनेशन आप जो है पेपर के अंदर लिख सकते हैं बहुत ही ईजीली। कैसे, सबसे पहले एक ही बात करते हैं, वेन टू केस आर सिमिलर फॉर द पर्पस ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पर्पस के लिए अगर कोई भी दो केस सेम हो, यानी कि कोई भी दो केस हो, एक प्रीवियस केस हो और एक प्रेजेंट केस हो, दोनों केसेस जो हैं वो सेम हो और उसका डिसीजन जो है वो मद्देनजर रखता था फॉर द पर्पस ऑफ प्रेसिडेंट के पर्पस के साथ, तो उसे हम कहेंगे फर्स्ट इंग्रेडिएंट्स ऑफ प्रेसिडेंट। यानी कि अगर मिसाल के तौर पे अगर कोई भी केस लिया जाए और प्रीवियस केस भी उस जैसा हो और प्रेजेंट केस भी उस जैसा हो, प्रीवियस केस भी उस जैसा हो और प्रेजेंट केस भी उस जैसा ही हो, दोनों का डिसीजन जो है वो सेम हो, फॉर द पर्पस ऑफ प्रेसिडेंट, उसे कहेंगे फर्स्ट इंग्रेडिएंट्स ऑफ प्रेसिडेंट। सेकंड की तरफ आते हैं, व्हेन टू केसेस आर सिमिलर फॉर द पर्पस ऑफ एनालॉजी। दो केस सेम हो एनालॉजी के पर्पस से, यानी कि कोई भी दो केस हम ले लें, उनका जो भी केसेस हों वो सिमिलर हो, उनका डिसीजन भी सिमिलर हो, तो फॉर द पर्पस ऑफ एनालॉजी, तो ये आ जाता है सेकेंड इंग्रेडिएंट्स, बी इंग्रेडिएंट्स ऑफ प्रेसिडेंट। उसके बाद बात करते हैं थर्ड, यानी कि सी की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द सी सेज इन बोथ सिचुएशंस व्हाई शुड द अर्लियर केस डिसाइड्स इफेक्ट द डिसीजन। यानी कि प्रीवियस डिसीजन को मद्देनजर रखते हुए जो प्रेजेंट केस है तो उसमें देखा जाएगा कि प्रीवियस जो डिसीजन लिया गया वो क्यों प्रीवियस डिसीजन सेम लिया गया, यानी कि प्रीवियस डिसीजन को मद्देनजर रखते हुए जो अभी का केस है उस अभी के, यानी कि प्रेजेंट सिचुएशन में ऐसा क्या हुआ, ऐसी कौन सी सिचुएशन थी जिसकी वजह से डिसीजन जो है वो सेम निकला। तो ये तीनों के तीनों इंग्रेडिएंट्स हैं प्रेसिडेंट के। प्रेसिडेंट जो है वो बहुत ही इजी टॉपिक है और ये जो है फिफ्थ सेमेस्टर, यानी कि एलएलबी के फिफ्थ सेमेस्टर में हेल्पफुल है। तो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं प्रेसिडेंट इज लाइंग डाउन रूल, यानी कि प्रेसिडेंट का कौन सा रूल होगा। अब प्रेसिडेंट की अगर बात की जाए तो प्रेसिडेंट लाइंग रूल के बारे में बात कर रहे हैं हम, कि प्रेसिडेंट का रूल कौन सा होगा। अब इसके अंदर बात की जा रही है कि इट ऑपरेट्स बाय लाइंग रूल विच लेटर कोर्ट आर बाउंड टू अप्लाई, यानी कि कोर्ट बाउंड होगी अप्लाई करने के लिए, कोर्ट बाउंड होगी अप्लाई करने के लिए, सच एज फैक्ट बिफोर देम। अगर कोर्ट देखती है कि फैक्ट्स इक्वल एक और राइट है तो कोर्ट जो है वो बाउंड होगी ये रूल अप्लाई करने के लिए। अब इसकी अगर एग्जाम्पल लें, इसकी एक एग्जाम्पल दी गई है इसी बुक के अंदर, बहुत ही ईजी एग्जाम्पल है। वेन एवर ट्रस्ट प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड इन ब्रीच ऑफ ट्रस्ट,
वेन एवर ट्रस्ट प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड इन ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, अगर ट्रस्ट प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड की जाती है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए, यानी कि ट्रस्ट के बेनिफिट पे अगर कोई भी ट्रस्ट प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है तो किसको, वॉलंटियर को, तो द वॉलंटियर मस्ट रिस्टोर द प्रॉपर्टी टू द बेनिफिशियरी, तो वॉलंटियर जो है वो बेनिफिशियरी को दोबारा उसकी प्रॉपर्टी रिस्टोर कर सकता है, यानी कि जो उसकी एक्चुअल प्रॉपर्टी जिसकी भी है वो उसको ट्रांसफर कर सकता है एज द प्रॉपर्टी। अब अगर बात की जाए इस एग्जांपल की, तो इस एग्जांपल से हमें बिल्कुल समझ में आ जाता है कि कोर्ट जो है किस हिसाब से बाउंड होगी ये रूल अप्लाई करने के लिए। कोर्ट जो है सबसे पहले क्या देखती है, फैक्ट्स को देखती है, और लीगल रीजनिंग एंड आर्ग्यूमेंट जो पूरी की पूरी बुक है, इस पूरी की पूरी बुक के अंदर यही बताया गया है कि जितने भी रूल एंड आर्ग्यूमेंट्स हैं वो आपके फैक्ट्स पर बुनियाद हैं। आपके जितने भी फैक्ट्स हैं, आपके जितने भी आर्ग्यूमेंट्स हैं, जो भी आप आर्ग्यू कर रहे हैं कोर्ट में, वो सारे के सारे इस बुक के अंदर बताया गया है। कि इस बुक के अंदर ये भी बताया गया है कि कौन कौन सी चीज़ों पे आर्ग्यूमेंट्स अप्लाई होंगे, कौन कौन सी चीज़ों पे नहीं अप्लाई होंगे। मेरी तकरीबन वीडियोज़ जो हैं वो इस टॉपिक से रिलेटेड इंटरकनेक्टेड हैं, ये सारी की सारी बुक जो है वो एक टॉपिक्स एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं। हो सकता है आपको ऐसा लगे कि मैं जो है सेम चीज़ बता रहा हूँ, लेकिन मैं सेम चीज़ नहीं बता रहा। क्यों? क्योंकि जितनी भी चीज़ें इस बुक के अंदर समझाई गई हैं वो सारी की सारी एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है, ये जो बुक है, ये स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के अंदर कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में जो भी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं उसके बेसिस पर है। सो दिस वाज माय लेक्चर रिगार्डिंग प्रेसिडेंट एंड एनालॉजी। थैंक यू, डेट्स ऑल।